इसमें हम सीख रहे हैं कि अगर क्लास, दो क्लास जिनमें सेम प्रॉपर्टी हो और वो एक ही एलिमेंट पर अप्लाई की जाएं, तो वो किस तरह से बिहेव करेंगी। देखिए, हम यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं जिसको हम फॉन्ट कलर की बना रहे हैं, समझना इस बात को। तो डॉट करके फॉन्ट कलर, और ये मैंने बनाई सपोज टू बी FC1 के नाम से, फॉन्ट कलर 1 के नाम से एक क्लास बनाई, और इसमें कलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करके मैंने इसमें एक फॉन्ट कलर लिया जो के था ग्रीन। एक और क्लास बनाई FC2 के नाम से, फॉन्ट कलर 2, और उसमें कलर मैंने लिया जो था ये वॉलेट कलर। ओके, यहां पर HTML में आके मैंने एक एलिमेंट बनाया, लेट्स सपोज वो एलिमेंट था H1, और H1 में लिखा चेंज माई फॉन्ट कलर। सही है, चेंज माई फॉन्ट कलर, चेंज किस पर निकलत हो गई। तो यहां पर देखिए वो ब्राउजर पे कैसे दिखाएगा, ये देखिए। अब ये तो आपको अभी मैंने सिखाया कि अगर आप यहाँ पे जाके क्लास पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे FC1, तो FC1 में कौन सा कलर है, FC1 में जो कलर है वो ग्रीन है और वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लिखूंगा FC2, तो FC2 में जो वॉलेट कलर है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वॉट इफ कि अगर आप यहाँ पे दोनों लिख दें FC1 और FC2, अब कौन सा कलर होगा, अब इसको समझेंगे कि ग्रीन कलर क्यों नहीं आया, वॉलेट कलर क्यों हो गया। देखिए, CSS के अंदर कोड की तरतीब देखनी है। कंप्यूटर का कंपाइलर ऐसे रीड करता है, पहले उसने पढ़ा FC कलर, FC1 उसका कलर क्या था, ग्रीन। लेकिन हाँ, और जब आगे आया तो FC का 2 का कलर था वॉलेट। तो इसका मतलब लास्ट क्लास कौन सी है, ये या ये? तो जो लास्ट क्लास होगी वो अप्लाई होगी, मतलब लास्ट क्लास इसके ऊपर ओवरराइट कर देगी। इसलिए भले तरतीब में आपने FC2 पहले लिखा है और FC1 बाद में लिखा है, अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि अगर हम FC1 यहाँ लिखते हैं और FC2 यहाँ लिखते हैं, तो अब देखिए क्या होगा, अभी वॉलेट ही आ रहा है। इसका मतलब यहां पर तरतीब चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरतीब चेंज करेंगे तो फर्क यहां पर आएगा। मतलब अगर हम FC1 को अगर डिफाइन कर दें FC2 के बाद, और अब देखते हैं, बात समझ में आई, जब कोई भी दो क्लासेस जिनमें सेम प्रॉपर्टी होगी और आप एक एलिमेंट पे लगाएंगे, तो यहां पर उसकी ऑर्डर को चेक किया जाएगा, जो लास्ट होगी वो अप्लाई होगी, जो फर्स्ट होगी फर्स्ट को रिप्लेस करेगा सेकंड वाला, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, चलें।